अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उस्मान बुखारी व्लॉग्स। आज एक और बहुत ही खूबसूरत जगह पे मौजूद हैं, कलाया तिरावेली में। खूबसूरत मौसम और खूबसूरत तिरावेली और अगजई रिज़ॉर्ट के नाम से एक टूरिज़्म इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ पे टूरिज़्म लाने के लिए आर्मी की मदद से यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रिजर्व रखा गया है। कमरे यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे स्मॉल सेटअप्स बनाए हैं जिसमें कि तीन तीन चार चार बंदे आराम से रह सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये सेटअप बनाया हुआ है। इसके अलावा ऊपर रेस्टोरेंट का एरिया है, रेस्टोरेंट के एरिया में आपको टू स्टोरीज एक कंस्ट्रक्शन मिलती है जहाँ पे नीचे सीटिंग दो साइड से दो रूम्स की तरह बनाया गया है कि जिसमें एक साइड पे भी सीटिंग अरेंजमेंट है, दूसरी साइड पे भी सीटिंग अरेंजमेंट है और एक ऊपर बार टाइप सीन है जिसमें कि स्नैक्स पड़े हुए हैं और आपको कॉफ़ी और ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। बहुत लोग आ रहे हैं हमारे सामने, काफ़ी लोग अभी आ चुके हैं और सुनने में ये आया कि अभी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप आ गया है। ये काफ़ी लोग अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम जिस कमरे में ठहर रहे हैं वो कमरा भी जो है ना थोड़ा सा नीचे करके इन्होंने जो तीन चार मुख्तलिफ कॉटेजेस टाइप बनाए हैं, हट्स नुमा जो हैं, उसमें नॉर्मली 3 पर्सन की कैपेसिटी है। तो हम 4 बंदे आए हैं यहाँ पे, हमने बुकिंग करवाई है पहले से और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप यहाँ आ सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ के रेंट चार्जेस वगैरह कुछ डिफरेंट हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल निगोशिएशन पे है। ये रूम्स देख लें आप, बहुत ही ज़बरदस्त सजा के रखे हुए हैं, इन्वर्टर भी लगा हुआ है इवन, और बिजली का सीन ये है कि यहाँ पे बिजली भी अवेलेबल है। यहाँ पे जो है ना रात के टाइम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू आपको मिलता है। अभी बहुत ही मज़ेदार मौसम बना हुआ है और सनसेट ऑलमोस्ट करीब है। रेस्टोरेंट में हम थोड़े टाइम के बाद दोबारा जाएंगे और रेस्टोरेंट आपको सर्विसेज भी दिखाएंगे कि यहाँ पे इनकी सर्विसेज कैसी हैं। तो चलें देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जगह भी पसंद आएगी और आप भी यहाँ पे आएंगे, रात गुजारेंगे। आपने कमरे और ऊपर का सेटअप देख लिया और अभी शाम होने वाली है और ज़बरदस्त किस्म का मंज़र बना हुआ है। ये चेक करें, ये नीचे आपको जो सेटअप नज़र आ रहा है ये आर्मी का सेटअप ही है, इनकी सारी चीज़ें यहाँ यहीं पे होती हैं, हेडक्वार्टर ही है। हसनैन भाई, क्या तासुरात हैं आपके अभी तक? माशाल्लाह यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी खूबसूरती और इस तरह के मनाजिर देखने को मिलेंगे। रात का माहौल देखें यहाँ पे जबरदस्त, ये रेस्टोरेंट का अंदर की सीटिंग अरेंजमेंट देखें। अभी तो हमने चाय पी है फिलहाल और पाकिस्तान के कितने आउट हुए? दो? अच्छा, दो आउट हो चुके हैं, शुक्र है हम तीरा में हैं इस तरफ। ये बायर सीन चेक करें, वाह 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 क्या बात है भाई। ये बाहर से रिज़ॉर्ट चेक करें रात को और हम अभी अंदर चाय की मेज़ पे बैठे हुए हैं और हमारा ऑर्डर तैयार होने वाला है। ये देखें, असद भाई जी, रात को बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे यार, लाइटिंग का। हाँ, लाइटिंग बड़ी अच्छी है।
मौसम बड़ा अच्छा है, लाइटिंग से ज्यादा यहाँ की जो सीनरी है, यहाँ के जो मौसम है, और स्पेशल यहाँ के मेज़बान बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं माशाल्लाह। और जो भी लोग यहाँ आए तो बहुत इंजॉय करेंगे, रास्ते भी बहुत सरसब्ज से भरा हुआ, और जगह जगह पानी भी, पर हर लिहाज से बहुत ही प्यारा इलाका है। मैं भी फर्स्ट टाइम आई यहाँ पे, उस्मान भाई तो काफ़ी बार आ चुके हैं। तो असलम भाई लाहौर से फर्स्ट टाइम आए, और असद भाई भी इस एरिया में तो मैं पहली बार आया हूँ, असद काफ़ी दिनों से काफ़ी घूमे, लेकिन ये बेसिकली खुद कुहाट से हैं लेकिन भगोड़ा हैं, अभी लाहौर में रहते हैं, तो पहली दफा ये तीरा भी आए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और माशाल्लाह ये हमारी बड़ी खिदमत में लगी हुई है यहाँ पे रिजॉर्ट में, और उम्मीद करते हैं कि ये रिजॉर्ट और भी तरक्की मिलेगी और लोग आएंगे यहाँ पे। वो देखें आप जरा, हाथ हाथ ऊपर करें असद भाई, ये एक एक बंदा ऊपर ऊपर सोया हुआ है, ये कंपार्टमेंट टाइप, और मुजाहिद भाई भी अभी, और ना कर यार क्या हो गया। अच्छा ये रूम की कंडीशन देखें, बहुत ही साफ सुथरा है, और इंशाल्लाह अभी हम सोने वाले हैं, सुबह आपको खैर बात कहने के लिए जो है ना हम आपको एक और जगह पे भी ले जाएंगे कि नहीं, चले वो सुबह सुबह की तरह देखेंगे। लेकिन बहुत साफ रूम है, बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज हैं, गर्म पानी भी आता है यहाँ पे, और साथ में सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं। हमने डिनर अभी किया, डिनर में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं इनके पास, फास्ट फूड वगैरह सब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, और काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल था वहाँ पे ऊपर भी, रेस्टोरेंट में भी। तो चले अल्लाह हाफिज़, सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। हम इस सुबह बहुत ही खूबसूरत सुबह पे, सदाम भाई हैं ये, यहीं पे होते हैं, और 2 साल हो गए आपके यहाँ पे ना, कैफी डी और अगजई में ही स्टे करते हैं, और एक किस्म के यहाँ पे इंचार्ज भी हैं। बहुत ज़बरदस्त सुबह का व्यू है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ऊपर से ऊपर से मंजर देखें नीचे, और अगजई का कलाया, और दूर दूर तक वादी का मंजर देखें, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और सुबह से मैं यहाँ पे टाइम लैप्सेस वगैरह बना रहा हूँ। ये ज़मीन बहुत ही मज़ा आ रहा है, ये साथ में व्यू चेक करें ऊपर से। हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह वापसी करेंगे, मज़ा तो बहुत आ रहा है, दिल करता है कि एक दो रातें बंदा यहाँ पे और भी गुजारे, क्योंकि सेटअप बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड जगह है, और इसको मेंटेन भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, रास्ता भी बड़ा ज़बरदस्त बनाया इन्होंने। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं यहाँ पे, एंजॉय कर सकते हैं और रात गुजार सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको खुराक की फैसिलिटी अवेलेबल है, ये पीछे जो मेरे बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं ये बार टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यहाँ पे फ़ोन सिस्टम भी इन्होंने बनाया हुआ है, और आप इनको अपने जो आपको रूम मिलता है, जो कॉटेज वगैरह जो कमरे हैं वहाँ से आप इनको रिंग करके बता भी सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। इसके अलावा नीचे रेस्टोरेंट A1 सेटअप, जो कि आप रात की सीनरी में देखा कि हमने आपको अंदर का सेटअप दिखाया, और रात को लाइटिंग होती है तो एक अमेजिंग सीन बन जाता है, लेकिन सुबह का मंज़र यहाँ से और सनसेट का जो व्यू है, क्योंकि ये एक हिल टॉप पे बनाया गया है तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ से व्यू आता है। तो थोड़ी देर में हम यहाँ से जाएंगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे रहती हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जगह पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इंशाल्लाह इस जगह को विज़िट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं एक नए व्लॉग पे, एक नई जगह और ज़बरदस्त अनएक्सप्लोर्ड जगह पर।